मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दुबई डायरीज। तो मैं अभी सोकर उठ गई हूँ, अभी जा रही हूँ अपना फेवरेट काम करने, विच इज चाय बनाना। फिर से जा रहे हैं हम चाय बनाने, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही है यार। मैं इतनी नींद में हूँ ना आज कि मेरे पास सच में चाय बनाने तक की भी ना ऐसा हो रहा था कि मैंने अगर चाय बनाई ना तो सच में मैं अपने ऊपर गिरा लूँगी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक दिन मैं चाय बना रही थी और वो उबलती चाय मुझ पर गिर गई थी। तब से ना मुझे चाय का ब्लैक बहुत ज़्यादा फोबिया है, बहुत 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 ज़्यादा फोबिया है। तो मुझे बहुत डर लगता है कि कि जब भी मैं इसे उबलता हुआ कुछ देख रही होती हूँ ना, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ फोबिया राइट नाउ, बिकॉज मुझे बहुत बुरी बर्निंग हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट नीचे से ना अपनी चाय ऑर्डर करी है। तो मैंने यहाँ पर मंगवाई है ज़ाफ़रानी चाय। तो आप कभी दुबई आए ना तो ज़ाफ़रानी चाय, विच इज़ द लाइक द वर्ड फॉर सैफ्रॉन टी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत अच्छी होती है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दिस इज़ ज़ाफ़रानी टी दैट आई एम टेकिंग एंड आई एम हैविंग मेरी गोल्ड बिस्किट विद इट। अब मैं नहा चुकी हूँ, अपनी पूजा कर ली है। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली ना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट दिखाना भूल गई। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ओट्स लेती हूँ। अब वो कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, फॉर श्योर बनाते टाइम। लेकिन आई श्योरली शेयर माई लंच विद यू ऑल। तो गाइस आज भी मेरे कुक भैया नहीं आए, बिकॉज वो भूल गए थे आना, क्योंकि उनके दोनों से आदत नहीं थी कि मैं जो हूँ वापस आ चुकी हूँ। तो मैंने आज बाहर से ही अपना लंच ऑर्डर किया है और आज भी मैं दाल चावल खाने वाली हूँ। द ओनली डिफरेंस इज़ मैं दाल चावल के साथ साथ छोले भी मंगाए हैं, क्योंकि मुझे छोले खाने का बहुत मन करा था। तो अनफॉर्चुनेटली ना मैं अपने इसमें नाम ढूंढ रही हूँ, मैंने इसे इतनी बुरी तरह फाड़ा है कि इसमें नाम नहीं आ रहा है रेस्टोरेंट का। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना लंच ऑर्डर किया है मुंबई से रेस्टोरेंट, आई थिंक नाम नहीं आ रहा। तो ये करामा में है एंड इट्स अ वेरी 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 नाइस रेस्टोरेंट फॉर नॉर्थ इंडियन फूड। सो आई पेड 33 दिरहम्स फॉर इट। देयर इज़ छोले मसाला एंड दाल फ्राई, दाल फ्राई समथिंग विच आई लव। तो आई थिंक अभी रमादान की वजह से कुछ डिस्काउंट चल रहा है, सो दिस इज़ समथिंग विच आई ऑर्डर्ड। आई शो यू द डिशेज, आई एम गोना हैव इट विद राइस। तो ये आप देख सकते हो, ये दाल है, दाल तड़का या दाल फ्राई जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ द बेसिक पीली वाली दाल विद वेरी गुड अमाउंट ऑफ जीरे का तड़का है, चिलीज़ हैं एंड दिस इज़ द चना मसाला। दिस इज़ द प्योर पिंडी छोले। बींग अ पंजाबी आई कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन जो नॉर्मल छोले होते हैं वाइट वाले और जो नॉर्मल चिकपीज होते हैं और जो पिंडी छोले होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, सो दैट्स हाउ इट लुक्स। जस्ट सी द कलर, इट्स सो गुड एंड दे हैव गार्निश इट विद धनिया स्लैश कोरिएंडर। सो ये मेरा आज का लंच है, जो कि डिनर में भी चल जाएगा फॉर श्योर। सो यार लेट मी जस्ट हैव माई फूड, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तो फिलहाल आज जिम का प्लान कैंसिल हो गया, बिकॉज मेरे दोनों बंधु जो है, भाई बंधु जो मेरे दोस्त हैं, वो दोनों नहीं आ रहे और उनके बिना मुझे एक्सरसाइज करना बहुत लगता है। एक तो ऑनेस्ट सही बताऊँ तो कल इतने दिनों बाद वर्कआउट किया ना, तो थोड़ा सा बॉडी में दर्द भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत गैप के बाद करो तो पेन हो जाता है। और वैसे भी अगर मुझे मस्ती करने के लिए, गप लड़ाने के लिए कोई नाम मिले ना, तो मैं वैसे ही नहीं कर सकती हूँ। और अभी क्या है, अभी बैठे बैठे मैंने सिविल वॉर ख़त्म करी। ऑब्वियसली कल मैंने विंटर सोल्जर देख ली थी, सिविल वॉर रह गई थी, तो सिविल वॉर कम्प्लीट करी। अब कुछ मीठा खाने की ना बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे, और कोशिश है कि कुछ गंदा ना खाऊं, तो इसीलिए अभी मैं घर पे अपने आप ही एक प्रोटीन केक, मैं बस वीडियो देख रही थी कि कैसे फटाफट बन सकता है, तो अभी वही बनाने वाली हूँ। सोच रही थी शेयर करूँ, क्योंकि अगर बहुत बुरा कुछ रहेगा तो भी हमें साथ में पता चल जाएगा कि बुरा बना है। तो लेट्स ट्राई कि मैं कैसे बनाऊँगी जो मैंने देखी है रेसिपी। उसके लिए वी विल नीड वे प्रोटीन। दिस इज़ अ वे प्रोटीन दैट आई यूज एवरी डे, दिन में दो बार, सुबह ओट्स के साथ और रात में वर्कआउट के बाद, एंड इट्स इन द पीनट बटर वेरिएंट। सो आई एम गोना टेक एक स्कूप, वन स्कूप। एक्चुअली इसकी फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी है। आई एम गोना टेक अ स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर। दिस इज अ माइक्रोवेव सेफ काइंड ऑफ अ डब्बा, एक बर्तन। देन आई एम गोना टेक दिस कोको पाउडर, ये मेरे पास हमेशा पड़ा रहता है, बिकॉज कभी कभी जब मुझे हॉट चॉकलेट पीने का मन करता है ना, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन एम पी एम एस सिंग, तो मुझे हॉट चॉकलेट पीना बहुत पसंद है, तो आई यूज़ इट फॉर दैट। सो आई एम गोना टेक लिटिल बिट, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दिस, जस्ट टू एड अ फ्लेवर, समथिंग जो मैं ऐड करने वाली हूँ। बिल्कुल
थोड़ा सा लिया यार, क्योंकि इसमें शुगर होती है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज समथिंग जो हम अवॉइड कर रहे हैं, राइट। देन ये है वेनिला एसेंस, इससे क्या है बहुत अच्छी जो है वेनिला की फ्रेग्रेंस आती है। कभी भी आप केक बना रहे हो, ब्राउनी बना रहे हो, पैनकेक्स बना रहे हो, पैनकेक्स से ज़्यादा आई मेक रियली गुड प्रोटीन पैनकेक्स, तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड वेनिला एसेंस, और वो भी 2-3 ड्रॉप्स उसकी हम डाल देंगे। ये है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा वॉट्स एवर। तो इसका भी आई विल एड लिटिल 2-3 पिंच ऑफ इट, बिकॉज जब भी केक फूलेगा ना माइक्रो में, सो दिस इज समथिंग जो केक को फुलाएगा, तो 2-3 पिंच इसका भी डाल देंगे। अभी तक क्या है, इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, वेट हमने कुछ भी नहीं डाला है, तो कुछ ऐसे डालना पड़ेगा जिससे जो है ये केक बाइंड हो जाए। एंड फॉर दैट मैं एग यूज़ कर सकती थी, बट अभी ट्यूसडे को मैं एग नहीं खाती हूँ, चिकन नहीं खाती हूँ, एंड इट्स ट्यूसडे, सो इसीलिए अभी इसको बाइंड करने के लिए एग की जगह मैं लूँगी मिल्क। सो दिस इज़ द मिल्क दैट आई एम टेकिंग, दिस इज़ द लैंकोर फुल क्रीम मिल्क, विच इज़ अ फुल फैट मिल्क। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अपने बैटर में, ताकि हम इसको अच्छे से बाइंड कर पाएँ। एकदम से बहुत सारा मत डालना, वरना आपका जो केक का बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अभी फोक से वी आर गोना विस्क इट वेरी वेरी वेल, ताकि ऐसे विस्क करना है कि जो आपका बैटर है उसमें लम्ब्स ना रहें। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसमें चॉकलेट की खुशबू है, पीनट बटर की खुशबू है, और वेनिला की खुशबू है, परफेक्ट। बेस्ट बात है इसमें हमने ज़्यादा एडिटिव शुगर नहीं लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाता है, अपने आप को खुश करने में क्या जाता है, राइट। इसको अच्छे से मैंने विस्क कर लिया है। आई शो यू द कंसिस्टेंसी, कुछ ऐसा दिखेगा, दिस शुड बी द कंसिस्टेंसी, ऐसे टेस्टी है, इट लुक्स यमी। अब ये कुछ ऐसा सा तैयार हो चुका है बैटर, समथिंग लाइक दिस। तो अभी हम इसको माइक्रोवेव में डालेंगे फॉर 1.5 minutes. I have put it at 1.5 minutes. तो 1.5 minutes के बाद मैंने इसे 1 minute और रखा था। तो इसको चेक करने का तरीका है कि केक बना है कि नहीं, इसमें फोक डालो। अगर फोक क्लीन आता है तो इट मीन्स कि ये केक जो है ये बन चुका है। दिखने में तो सही लग रहा है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अब बारी आती है केक टेस्टिंग की। केक तो नहीं है, कुछ भी बन गया तो ऐसा कुछ दिखता है। Not bad. बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी शुगर क्रेविंग को कम करने के लिए है। एग डालती तो बहुत सॉफ्ट बन जाता, अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट बुरा भी नहीं है यार, enjoy. तो आज का दिन हो चुका है पूरा। इट वॉज क्वाइट अ लीजी एंड अ वेरी अनप्रोडक्टिव डे, कुछ खास किया नहीं, तो बस एक अच्छी चीज़ करी, प्रोटीन केक बना लिया। कुछ खास खाने का भी मन नहीं कर रहा था आज, तो आई थिंक आज थोड़ा लेजी डे था, एंड इट्स वर्थ इट, क्योंकि कभी कभी आपको बिना कुछ किए भी दिन निकालना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ माय डे वाज। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।